चलिए ये तो थी मुंगेर गंगा पुल की कुछ ऐतिहासिक और वर्तमान की स्थिति। अब आते हैं मुंगेर गंगा पुल कैसे है तकनीक में विश्व में सातवें स्थान पर और क्या तकनीक है विश्व के सातवें रेल सड़क पुल की। मुंगेर का गंगा पुल जिसके कार्य को नाम दिया गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर फॉर रेल कम रोड ब्रिज अक्रॉस रिवर गंगा एट मुंगेर इन बिहार, जिसका कार्य संख्या 8802, स्थान मुंगेर और खगड़िया के बीच, पुल की कुल लंबाई 3690 किलोमीटर यानी कि 3692 मीटर और 12113 फीट, चौड़ाई 12 मीटर यानी कि 39 फीट। इसके एक स्पैम की लंबाई 125 मीटर यानी कि 410 फुट है, जिसमें कुल 29 स्पैमों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इसका रेल मार्ग दक्षिण से मुंगेर होते हुए जमालपुर जंक्शन को जोड़ता है और दूसरा छोर उत्तर से सफदरपुर से साहेबपुर के मार्ग को जोड़ता है। इसका सड़क मार्ग दो नेशनल हाईवे को जोड़ेगा, दक्षिण यानी कि मुंगेर से NH80 और दूसरा NH31, उत्तर से सफदरपुर से साहेबपुर के मार्ग। 9 अप्रैल 2009 को इस पुल का कार्य BBJ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया, जिसमें सहयोगी रहे गामा इंडिया लिमिटेड और सह सहयोगी रहे PNR इंफ्रास्ट्रक्चर। 7 जुलाई 2009 में जगह के लिए सर्वे की शुरुआत हुई। 26 जून 2010 से इसमें इस्तेमाल होने वाले सामानों की लिस्ट बनाने का काम शुरू हुआ और स्टील के लिए सेल को 4 मार्च 2010 को इसकी रिसिप्ट भेजी गई। BBJ यानी कि बर्थ बैट बर्न और जोसेफ, जिन्होंने भारत में सबसे अनोखी पुलों का निर्माण किया जिसे आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। इसके बाद इन तीनों इंजीनियर्स ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम BBJ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पड़ा। इसके बाद इस कंपनी ने भारत को कई ऐसे अनोखे ब्रिज दिए जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि भारत का सबसे पहला रेल सड़क मार्ग का निर्माता भी यही कंपनी थी। चलिए अब जानते हैं क्या है तकनीक इस विश्व के सातवें पुल की। मुंगेर गंगा पुल बना है वैरन और डबल वैरन ट्रस तकनीक पर, जिसमें इसका नीचे का हिस्सा रेल मार्ग को डबल वैरन और ऊपरी भाग इसके सड़क मार्ग को वैरन ट्रस के तकनीक पर बनाया गया है। वैरन और डबल वैरन तकनीक है अमेरिका के वैज्ञानिक जेम्स वैरन और विलोगी बाय मोंजानी की, जिन्होंने 1848 में इंग्लैंड में इसका पेटेंट करवाया था। वैरन ट्रस की तकनीक से पूरे विश्व में कुछ ही ऐसे पुल बने हैं जिसमें नीचे रेल मार्ग और ऊपर सड़क मार्ग है। एक जर्मनी और दो अमेरिका में और भारत में कुल 4 है, जो कुछ इस तरह से है। सरायघाट ब्रिज 1958, राजेंद्र सेतु 1959, नारायण सेतु 1998, मुंगेर गंगा ब्रिज 2002 और दीघा सोनपुर ब्रिज 2003। वहीं अगर बात करें लंबाई की तो भारत में पहले स्थान पर बोगीबिल ब्रिज 4.94 किलोमीटर, दूसरा दीघा सोनपुर ब्रिज 4.55 किलोमीटर और तीसरा मुंगेर का गंगा ब्रिज 3.19 किलोमीटर का रेल सड़क पुल है। आखिर क्यों किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर सोशल मीडिया की नज़र इस चीज पर नहीं पड़ी कि मुंगेर के गंगा पुल की क्या तकनीक है। विश्व के नॉलेज किंग यानी कि विकिपीडिया पर भी इसकी सही जानकारी मौजूद नहीं है, कैसे ये आप खुद ही देख लें। अगर बात की जाए विकिपीडिया की तो आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि मुंगेर का गंगा पुल बना है केस्ट्रस तकनीक से, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वहीं दूसरी ओर विकिपीडिया पर मुंगेर गंगा पुल और दीघा सोनपुर के डिजाइन को भी केस्ट्रस तकनीक ही बताई गई है, लेकिन अगर इसके डिजाइन पर गौर करें तो ये साफ देखा जा सकता है कि इसका तकनीक वैरन ट्रस के तकनीक को ही दर्शाता है। दूसरी ओर बात करें केस्ट्रस तकनीक की तो भारत में केवल एक ही ऐसा रेल सह सड़क मार्ग है जो बना है केस्ट्रस तकनीक पर, वह भारत का गोदावरी ब्रिज जो आधारित है केस्ट्रस तकनीक पर, जिसके डिजाइन को आप खुद ही देख सकते हैं। कुछ आंकड़े बताते हैं कि इस पुल को बनाने में तकरीबन 24,770 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें माइल्ड स्टील 8,249 मीट्रिक टन और हाई टेंसाइल स्टील 16,521 मीट्रिक टन। फैब्रिकेशन के लिए माइल्ड स्टील 7,420 मीट्रिक टन और हाई टेंसाइल स्टील 15,162 मीट्रिक टन। रेनफोर्समेंट 2,100 मीट्रिक टन और सीमेंट 5,779 मीट्रिक टन। रेफर स्टील लोहा 500 से 2,205 मीट्रिक टन। हाई टेंसाइल रिवेट्स 24 मिलीमीटर के 2,39,341 पीस। पेंट जिंक क्रोमियम एल्यूमिनियम 6,726.98 मीट्रिक टन। साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे रेलवे की ओर से ऑफिस कोर्ट्स मैनुअल 2 गाड़ियां 6 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 2 प्रिंटर मोबाइल बोर्ड वॉकी टॉकीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। मुंगेर गंगा ब्रिज सिंगल लाइन रेल मार्ग डबल वैरन और इसका ऊपरी भाग सड़क मार्ग वैरन तकनीक पर आधारित है, जो कि 2 लेन सड़क मार्ग है। इसके सड़क मार्ग RCC तकनीक पर आधारित है। RCC यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट रोड, जिसमें माइल्ड स्टील के साथ साथ सीमेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो काफी मजबूत होने के साथ साथ थोड़ा लचीला भी होता है। इस पुल को बनाने में तकरीबन 65 से भी ज्यादा मशीन और कुल 656 मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। ये थी मुंगेर गंगा पुल की कुछ अनकही और अनसुनी सच्चाई, जिसे न्यूज वॉर आपके सामने लेकर आया। फिलहाल अभी भी मुंगेर और बेगूसराय की जनता को इस पुल के
पूरा होने के सपने को सच होने के लिए कई सालों का इंतजार और भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजा अनुराग के साथ मैं विजय सानू सिंह न्यूज वॉर के लिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने सुझाव को कमेंट में जरूर लिखें।